तो हाय एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ इस समय मानला में, और मैंने यहाँ पे कैंपिंग की थी और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो मैं हूँ यहाँ पे इस समय एक होटल में, और उसके बाहर हमने कैंपिंग लगाई थी। तो रेस्टोरेंट, तो आज उनके मालिक मेरे साथ यहाँ पे, भट जी हैं यहाँ पे। तो उनसे दो शब्द पूछता हूँ कि होटल का क्या रेट है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानला एक टूरिस्ट पैलेस है यहाँ पे, और यहाँ पे कई लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। रहने की भी सुविधा, खाने पीने की सब सुविधा यहाँ पर उपलब्ध आपको होगा। तो यहाँ पर जो होम स्टे में मैं यहाँ पर रुका था, तो वहाँ इसका नाम है मुलुक। तो मुलुक के जो ऑनर हैं वो हैं भट जी, यहाँ पे सामने हैं। भट जी नमस्कार। तो नमस्कार, भट जी, ज़रा गुड हमें मॉर्निंग। आप अपना होटल दिखाएंगे आज। जरूर आइए। तो क्या कहते हैं, ज़रा आप बेड के बारे में, उसके बारे में। तो फिलहाल कुछ बात करते हैं, जैसे कि बाहर से कोई लोग यहाँ पर आपके यहाँ पर आते हैं, जी तो किस हिसाब से ले उनके, जैसे वो खाना ऑर्डर कर, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो खाना आप बना रहे तो वो उनको खाएंगे या उनके हिसाब से खाना बनता है। सर, होम स्टे है बेसिकली। पहले तो होम स्टे का समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। जी और बेसिकली हमारा रहता है कि हम लोग जैसे पार्टी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, हम लोग यहाँ पर मतलब हाँ, अलाउड नहीं करते हैं। अच्छा, शांत लोकेशन है, शांत लोकेशन, तो बिल्कुल उस लोकेशन का आनंद लेने के लिए आइए। जी और जो प्रकृति ने हमारे को यहाँ पर एक भर के दिया हुआ है, जी जैसा जी कि आप जी देख रहे हैं दिल्ली शहरों के अंदर में, जी हाँ जी या हाँ फिर जहाँ भी जाते हैं आप, शहरों जी में बहुत भीड़ भाड़ है, हौच पौच है, जी हाँ और बहुत एक लाइफ जो है टेंशन भरी हुई है। तो बिल्कुल उससे बिल्कुल थोड़ा सा हाँ हट के अगर आप आना चाह रहे हो, उस चीज़ को देखना चाह रहे हो, तो होम स्टे एक बेस्ट थिंग फॉर यू। ओके उसका एक रीजन ये भी है कि अभी टूरिस्ट आते हैं तो उनको मेनली ये रहता है कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं, तो होम क्लाइमेट स्टे और होटल रिजॉर्ट का पहले तो थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करनी चाहिए जी हाँ हम लोगों को। हमें कई बार ऐसा फेस करना पड़ता है कि गेस्ट आते हैं, हम हालांकि जब भी क्वेरी चल रही होती है उनकी, फ़ोन पर बातचीत हो रही होती है, तो हम पहले ही कहते हैं कि सर यहाँ पर लाउड नहीं चलेगा, कुछ भी किसी प्रकार का कोई म्यूजिक ऐसा नहीं चलेगा, हो हल्ला नहीं चलेगा। जी भट जी, तो गाइस थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर दी मैंने यहाँ पे। का जो हाँ दृश्य है यहाँ पे इस समय थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सामने जो है हिमालय पर्वत दिखाई देते हैं। यहाँ से कौन सा पीक है वो? यहाँ से नंदा देवी, नंदा देवी त्रिशूल, हाथी पर्वत, चौखंबा तक की रेंज दिखाई देती है। दिखाई थी यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छी वाइल्ड रेंज है ये। जी 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 मैं था कि जैसे आपके होम स्टे में अगर कोई बाहर से कोई बंदा आना चाहता है, तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कितना उसका डिस्टेंस होगा उसका यहाँ का? डिस्टेंस अप्रोक्स 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर हाँ, मात्र, यानी और कि 1.5 घंटे का रास्ता। हाँ जी इतना जी कह जी सकते हैं। जी तो आप मुझे अपने होम स्टे के ना कुछ रूम भी दिखा दीजिएगा, और कुछ अपने होम स्टे के जो आपके चार्जेस हैं वो भी हमें बता दीजिएगा। खाने के चार्ज क्या है आपके, और रहने के चार्ज क्या है, वो टाइमिंग क्या है उसका, तो उसके बारे में थोड़ा बता चार्जेज दीजिए। वगैरह एक्चुअली क्या होता है कि क्वेरी पर डिपेंड करता है, जी तो मेंशन रहता है नंबर, लोग आते हैं तो क्वेरी उनका जैसे भी रहता है। लेकिन हमारा क्या है कि हम वॉक इन क्लाइंट नहीं रहते हैं कि जो चलते फिरते आए गेस्ट रूम मिल जाएगा, इस तरीके का हम लोगों का नहीं है नहीं एक्चुअली। है। हाँ, अच्छा, तो प्री बुकिंग ही हम लोग करते हैं यहाँ पे। करते जो हैं आपकी बुकिंग है, बुकिंग के आधार पर ही हम लोगों को वो रहता है। और एक फैमिली एटमोस्फेयर चाहिए हमको, वो जी। क्योंकि फैमिली यहाँ पर हमारे साथ में रहती है। फैमिली साथ में रहती है तो तो दीदी आप ही मशीन हैं जी जी। तो दीदी बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पर आके, बहुत ही बढ़िया लगा। कल रात आपने हमको दोबारा कॉल बैक किया, हमने सोचा फ़ोन किसी और का होगा, फिर आपने 2-3 बार फ़ोन किया, तो फिर हम आए यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, फर्स्ट आपका क्लास। नंबर लग नहीं था भैया, मैंने हाँ लगाया ना हाँ नहीं लग रहा तब। होगा, क्योंकि मेरा हाँ वोडाफोन था ना, दिल्ली का नंबर है, हाँ तो इसकी वजह से लग रहा है, काफ़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। जी जी तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आपका, तो चलते हैं आपके, थोड़ा रूम रूम दिखाते हैं आपके वहाँ से, और थोड़ा व्यूज़ दिखाते हैं मैं रूम रूम वहाँ से। तो गाइज ये हैं इनके रूम, और ऐसे ही रूम आपको यहाँ पे 5 रूम मिल जाएंगे आपको, बहुत ही बढ़िया। और एक रूम में कम से कम 4 बंदे इस रूम में रह सकते हैं, अगर आप कोई फैमिली लेके आते हैं तो बहुत ही बढ़िया रूम है, और बिल्कुल क्लीन मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे जो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे ना, बहुत ही बढ़िया शांत वातावरण। अगर आप प्रकृति के नज़ारे उठाने चाहते हैं, लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए। तो यही है सामने मुलुक होम स्टे का सीन आप देख रहे हैं, और बहुत ही सुंदर, नीट क्लीन। और सामने आप देखेंगे तो हिमालय पर्वत यहाँ से पूरा दिखाई देता है, चौखंबा पर्वत यहाँ से दिखाई देता है, पूरा साफ एकदम मस्त हो गए। तो एक बार यहाँ पर आकर आप विजिट ज़रूर करिएगा। तो ऑलरेडी गाइज यहाँ से आप जाने का टाइम आ गया है, और मैं आपको जो मुलुक जो गेस्ट हाउस है, होम स्टे है यहाँ का, तो यहाँ का नंबर हो गया, इनका वेबसाइट नंबर हो गया, वो मैं आपको नीचे डिस्कशन में दूंगा। तो फिलहाल भट जी से पूछ लेता हूँ कि उनका नंबर क्या है, वो बता देंगे आपको। तो भट जी आप अपना नंबर बता दीजिए एक बार। जी, नंबर है 7351-9898-6899। 6899। हाँ जी, तो ये है, और मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ आते हैं तो
300 किलोमीटर का लगभग पड़ता है। हाँ, लगभग 320 किलोमीटर करीब दिल्ली से। हाँ जी, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा। और इनका वेबसाइट नंबर और मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। और जैसे कि नज़ारे आप देख रहे हैं, मैं कल रात यहाँ पर हमने कैंपिंग करी थी तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। यहाँ का मौसम देखिए आप यहाँ का, और बर्फ़ यहाँ पर कितने टाइम से कितना पड़ती है यहाँ पर बर्फ़? तो टेम्परेचर एक्चुअली जो अगर ठीक रहा तो आपका जनवरी फरवरी में तो बर्फ़ होती होगी सर यहाँ। जनवरी फरवरी के मार्च में भी गिरी है, मार्च में भी गिरी जाती है। हाँ, वो तो कह रहे हैं दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है मौसम पर। दिसंबर तो है ही, दिसंबर तो है यहाँ पर। और आपके आसपास ऐसे कोई और कोई फेमस जगह है जो यहाँ पे, जो कोई यहाँ पर आते हैं तो घूमने जाए? जैसे एक मानला माँ मंदिर हो गया। मानला अपने आप में नाम ही फेमस है, फेमस है और बेहद खूबसूरत ये लोकेशन है अपने आप जी, जिसका मेरे को नहीं लगता है कि शायद ऐसी कोई एक जगह है हमारे पास में। नहीं, कुदरत का नायाब तोहफा मैं कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये वैसे भी एक कुमाऊँ और गढ़वाल का एक बॉर्डर भी है ना ये? हाँ, कुमाऊँ और गढ़वाल का बॉर्डर भी है। और दूसरा आपको हिमालय नदियों का यहाँ से आप तराई भावर का जो एरिया है तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन है प्रकृति का और जो एक बनाया हुआ अपने आप में देखेंगे। सड़कें भी यहाँ पे बिल्कुल अपने आप में ठीक ठाक हाइट पे होने के बाद भी एक मैदान एरिया है। तो आपके कोई गाइड भी होते हैं यहाँ पे? गाइड ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है, अभी इतना क्लाइंट का भी फुटफॉल नहीं है, उस तरीके के लोग अभी यहाँ पे नहीं जान पाए हैं। अच्छा, हम लोग एक्चुअली नहीं पहुँच पाए हैं उन लोगों तक। तो हमारी कोशिश यही है कि जो हमें वही क्लाइंट यहाँ पर चाहिए जो प्रकृति प्रेमी हो, प्रकृति प्रेमी हो, बिल्कुल सही बात है, समय कुछ बिताना चाहे और अपनी कुछ यादें यहाँ से लेके जाए, हमारे साथ और कुछ जोड़ के जाए, यही उम्मीद हमारी भी रहती है। अगर कोई लोग की क्वेरी होती है कि पहाड़ी डिश खाने का मन करता है तो वो आप? हम कराते हैं, कराते हैं। हाँ जी जी, उसमें हमारा जैसे लंच वगैरह में भी है, लंच में हम लोग जो पैकेज में हमारे साथ में होते हैं। अच्छा अच्छा, तो लंच में हमारा ट्रेडिशनल ही रहता है। ट्रेडिशनल रहता है, जैसे जो भी हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड यहाँ से। और बाकी कुछ चीज़ें ये हो कि सीजनल भी रहती है, अभी कुछ है अवेलेबल है कभी नहीं है, पर फिलहाल हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपनी फार्म से अपने किचन गार्डन से ही उगाया हुआ खाना, ऑर्गेनिक हुआ सारा, मतलब जो जी करें। साथ में मैंने आपके यहाँ पे देखा कि एक फायर का वो भी आपने बना रखा, तो जैसे लोग यहाँ पे अपना फायर में बोन फायर का जो है मजा ले सके, यहाँ पे बैठ के दो चार लोग अगर आए सर्दियों में यहाँ पे, बिल्कुल है ना। और उधर जो अपनी जो टेंट बना रखी है, बना रखा है जो ये हट बना रखा है, ये किस चीज़ का है? ये हमने किचन बना रखी है, किचन है। अच्छा अच्छा, इसे हम अभी थोड़ा डेवलप करेंगे और डेवलप करेंगे। तो कुछ इसमें आपने कुछ तंदूरी टाइप का कुछ बना रखा है, वो जैसे मैंने देखा उसमें कनिस्तर आपने लगा रखा है, ये कनिस्तर किस चीज़ के? ये ओवन के लिए अभी ट्रायल किया है। अच्छा, अगर इसमें भट्टी जलती है तो ये आसपास है जो उसका तापमान जो होगा ना गर्म होगा। हाँ, अच्छा, ये बनाते हैं इसमें, यहाँ खाना बनाते हैं जैसे नॉनवेज वगैरह। नॉनवेज बना दिया। आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, गेस्ट आए हो? हाँ, जैसे गेस्ट आए को अपने हाथ से करना चाहें, खुद बनाना चाह रहे तो उनके लिए है वो। वो बाकी रात को जैसे ऐसा हो जाता है कि लेट बैठे हैं दोस्त लोगों के साथ में, थोड़ा लेट खाना चाह रहे हैं, होता है चिल जाता है कभी। अच्छा 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 अच्छा, भाई अपना खाना आपका पैक है वो आप इसके अंदर रख सकते हो आप, मतलब गर्म। वाह, अच्छा, इसके अंदर ठीक है। तो उसी बत्तम में देख रहा था ना कल, तो हाँ इसी वैसे बनाया आपने। बहुत बढ़िया भट्टी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो ये थे भट्टी और जिन्होंने हमको अपना पूरा गेस्ट हाउस दिखाया यहाँ पर पूरा, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ेदार। अभी यहाँ पर कुछ लोग आए भी हैं, रहे भी हैं यहाँ पे और आते रहते हैं, जाते रहते हैं यहाँ पे। तो आप भी अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे इनका नंबर, इनका वेबसाइट नंबर मैं सारा डाल दूँगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, हम चलते हैं और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।